हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए पनीर की एक बहुत ही क्विक सी रेसिपी लेके आई, जिसे आप बहुत ही झटपट बना सकते हो। ऐसे बनाने के लिए भी हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, घर में मिलने वाले बहुत ही नॉर्मल सामानों से और बहुत ही कम चीज़ों के संग झटपट बन जाती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल को गरम किया है। जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। और जीरा जब हमारे यहाँ चटक जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच लहसुन अदरक को क्रश करके डाला है। आप पेस्ट या चॉप करके भी डाल सकते हो। इसे 30-40 सेकेंड कुक किया है, फ्लेम लो मीडियम है। एंड हम इसमें डालेंगे सेजवान सॉस। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच सेजवान सॉस डाला है। उसको 30 सेकेंड के लिए हल्का सा कुक करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने लंबा लंबा कट किया, उसे भी डाल के 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब मैंने शिमला मिर्च को भी 1 मिनट के लिए कुक कर लिया। तो हम इसमें डालना है टमाटो सॉस। तो यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच टमाटो सॉस डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस भी ऐड कर दिया है 3 बड़े चम्मच। तो हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे भी कुक करेंगे 1/2 मिनट के लिए। फ्लेम अभी लो है वरना सॉस जल जाएगा। तो इसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाला है, बहुत थोड़ा सा हमें पानी डालना है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्लेम यहाँ पर लो मीडियम है। तो देखिए इसमें हल्का सा बॉयल आ गया है। तो इसमें अपने पनीर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पनीर को फ्राई करके यूज़ किया, आप चाहो तो इसे बिना फ्राई किए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिए थे, जैसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया, उसे हल्का सा फ्राई कर लिया था। तो अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ डाल के सॉस के संग, ताकि हमारे पनीर अच्छे से सॉस में कोट हो जाए। तो मैंने सारे पनीरों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करके इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे, हमें ज़्यादा नहीं कुक करना। तो लीजिए बस झटपट से बनके तैयार है हमारी पनीर की रेसिपी। देखा ना आपने इसे बनाना कितना इजी है, कितनी झटपट बन गई। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हो ये भी बताना। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरी न्यू वीडियो के संग, न्यू रेसिपी के संग। तब तक टिल देयर टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।